Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start our new chapter about hematology and blood banking. So अब हमारा जो है ना ब्लड स्टडी स्टार्ट होगी, इसमें हेमाटोलॉजी है ही ब्लड स्टडी. हेमाटोलॉजी जो है ना वो जो है इन्वॉल्व है मींस के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में, मींस के जो ब्लड और बोन मैरो जो है ना वो डिजीज पर्सन होते हैं उनकी डायग्नोसिस करते हैं. ओके, अब इसमें जो है हेमाटोलॉजी जो है वो एक तो मैनेजमेंट करती है या जो है ना वो डायग्नोसिस करती है बेनाइन या मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स के, व्हाइट ब्लड सेल्स के, प्लेटलेट्स के. ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वाइज होता है बेनाइन और मैलिग्नेंट डिसऑर्डर का. तो जो बेनाइन डिसऑर्डर होता है वो एक मींस के स्पेसिफिक एरिया में होता है. ओके, उसकी जो है ना एक रेगुलर बॉर्डर्स होते हैं, वो स्प्रेड आउट नहीं होता बाकी जो है ना बॉडी ऑर्गन्स में. ओके, जबकि जो मैलिग्नेंट होता है ना इसके कोई मीन्स के कोई इसका रेगुलर बॉर्डर नहीं होता. और एक तो ये जो है ना फास्टली ग्रो करता है एंड सेकेंडली ये कि जो है ना ये स्पीडी जो है ना स्प्रेड आउट हो जाता है बॉडी में. ओके, अगर हम यहाँ पे हेमाटोलॉजिस्ट की बात की हुई कि ये हेल्थ केयर होता है जिसमें स्पेशलाइज किया होता है डिजीज जो है ब्लड की हो गई या बोन मैरो की या लिम्फेटिक सिस्टम की. ओके, तो हेमाटोपैथोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो वो एक मेडिकल डॉक्टर होता है. ओके, ब्लड बैंकिंग की अगर बात करें तो हम जो ब्लड डोनेट करते हैं. ओके, तो ये बेसिकली जो है ना ये टेस्ट होता है लैब में. और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रोडक्ट या डोनेटेड ब्लड होता है उसको हम जो है ना चेकआउट करते हैं कि आइदर कि वो सेफ है कि इससे पहले कि हम जो है ना जो डोनेटर है मीन्स के सॉरी जो जिसको हमने ट्रांसफ्यूज करना है उसके यानी कि कोई डिजीज ना हो उस ब्लड में या कुछ भी ऐसा कोई सिम्टम ना हो उसका. ठीक है, तो हम उसको पहले चेकआउट करते हैं. ओके, कि कोई इसमें इन्फेक्शन डिजीज तो नहीं है. अब ब्लड बैंक में क्या होता है कि हम ब्लड बैंक कलेक्ट करते हैं, इसके ब्लड कलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसको जो है ना स्टोर कर लेते हैं ब्लड को जब तक किसी पेशेंट्स की नीड ना हो. डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ भी होता है, ओ पॉजिटिव हो नेगेटिव, ए पॉजिटिव है नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव. तो ये हम जो है ना जो है फर्दर चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम इनको. फिलहाल अभी जस्ट हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंक का जो है ना ब्रीफ जो है ना वो कर रहे हैं ओवरव्यू. ओके, तो हेमाटोलॉजी और पैथोलॉजी की बात की जाए तो ये दोनों जो है जो ब्लड डिजीजेस होती हैं उनके कॉजेज हो गए. ठीक है, तो उनके कॉजेज को ये जो है ना वो स्टडी करती हैं. हेमाटोलॉजी और पैथोलॉजी में हम जो है ना जो रूट है ना मीन्स के कहाँ से ब्लड हमारा उसको डिजीज कॉज हो रही है, कौन सी जीन डिस्टर्ब हुई है. ठीक है, तो हम जो है ना मोलिकुलर लेवल से जो है ना वो सिस्टम लेवल पे आते हैं. ठीक है, मीन्स के हम सेल लेवल से जो है ना वो आते हैं बाकी सिस्टम लेवल पे. हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये डिजीज ब्लड डिजीज हुई है, बोन मैरो डिजीज हुई है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में कोई डिजीज कॉज हो रही है, डिसऑर्डर आ गया, तो उसका बैकअप क्या है, मीन्स की उसकी रूट क्या है, वो कौन सी ऐसी जीन है जिसके थ्रू जो है ना ये डिजीज कॉज हो रही है. ओके, कहाँ पर ये डिसऑर्डर आया, तो वहां से जो है ना हेमाटोलॉजी और पैथोलॉजी में हम जो है ना उसकी रूट को बेसिकली हम जो है ना वो टच करते हैं और हम देन उसको सिस्टमेटिक लेवल पे मूव करते हैं. ओके, यहाँ पर बात की हुई है एमआरसी की, मींस की मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, मॉलिक्यूलर हेमाटोलॉजी यूनिट. तो ये हमारे पास जो है ना फ्लैगशिप सेंटर है. तो ये जो है ना वो मेच्योर ब्लड सेल्स की जो है वो जेनेसिस को जो है ना वो इस पे वर्कआउट हो रहा है और जो मींस की वो किस तरह ब्लड सेल्स जो है ना ब्लड डिजीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये सब जो है ना उसी उसी लेवल पे जो है ना वर्क हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पर वर्क हो रहा है इस सेंटर में. तो यहाँ पर बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, मीन्स कि हम वो जो भी मैंने बताया यहाँ पर कि मोलिकुलर लेवल पे जो है ना हम चीजों को देखते हैं हेमाटोलॉजी में, पैथोलॉजी में, और एमआरसी जो यूनिट है वो वर्क इसी पे कर रहा है. ओके, ब्लड डिजीजेस पे वर्क कर रहा है और उनके वो जो है ना देखते हैं कि कौन सी जीन डिस्टर्ब हुई है, तो जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करके हम उस जीन को एडिट कर देते हैं. ओके, और जो है ना वो मीन्स के फिर न्यू ट्रीटमेंट हम देते हैं एक्सेट्रा, ये सब जो है ना इसमें है. तो ये बस ब्लड बैंक और हेमाटोलॉजी का इतना ही है. थैंक यू यू ऑल.